हेलो गाइस, वेलकम टू सुनीता किचन। तो आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है वाइट चने और अंडे की रेसिपी। ये मैंने ले लिए हैं, आधा किलो चने मैंने लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके रख लिया। और ये मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल करके रख लिया। और ये मैंने यहाँ पे एक बड़ी वाली प्याज ली है, उसको भी मैंने यूँ काट के रख लिया है। और ये 1 अदद मैंने बड़ा वाला टमाटर लिया था, उसको भी हम काट लिया। 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया, जिसमें तेज़पत्ता, ज़ीरा और ये हरी वाली इलायचियाँ। और यहाँ मैंने लिया गरम मसाला ऊपर से गार्निश करने के लिए। और सूखे मसाले में मैंने लिया है, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक। और ये लिया मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया धनिया और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। और ये 1/2 टीस्पून टेस्ट के लिए मैंने लिए काली मिर्च और ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा। और मिर्चें इसलिए कम लेंगे क्योंकि वो काली मिर्च भी है और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्पाइसेस जिसके अंदर भी होती हैं। और नमक भी मैंने इसलिए थोड़ा कम लिया है क्योंकि मैंने चने बॉईल करते भी उनके अंदर नमक डाल दिया था। तो अगर कम होगा तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है नमक। और ये मैंने थोड़ा सा दही लिया है, ये प्याज ब्राउन करूँगी तो फिर ये पेस्ट बनाएंगे हम इसका। तो चलिए, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो अभी मैंने ये प्याज इसके अंदर डाल दिए, अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चने हैं, तो चनों के ऊपर ज़रा ऑयल आपको पता है अच्छा लगता है। मैं अपनी प्याज ब्राउन करूंगी तो फिर इसको निकाल के तो फिर मैं बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करूंगी इसके अंदर। देखिए, इसमें से मैंने अपनी प्याज निकाल ली है और ये जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे मैं इसके अंदर ये डालूंगी। तेल में अच्छे से फ्राई होके इनका फ्लेवर निकले, तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी। सॉरी, मैंने आपको लहसुन अदरक नहीं बताया था, मैं भूल गई। तो अभी इस टाइम पे इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक, ये ज़रा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट था जो मैंने अभी डाल दिया इसके अंदर। अभी जरा इसके साथ अच्छे से पक जाए ताकि लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। फिर मैंने ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बना के रखे हैं अभी मैं इसके अंदर वो शामिल करूंगी। अभी थोड़ा सा पकेगा तो फिर मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सब इसके अंदर डाल दूँगी। जितने भी मसाले मैंने खुश्क मसाले आपको दिखाए थे वो सारे इसके अंदर जाएंगे। ये थोड़ा सा पक जाए लहसुन और अदरक के साथ, टमाटर का भी कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें, मेरे टमाटर और वो प्याज जो मैंने ग्राइंड करके डाले थे वो भी देख लें अच्छे से पक चुके हैं, इनका ऑयल भी ऊपर आने लगे। अब जो मैंने ये अपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए थे मैं वो सारे इसके अंदर ऐड करूँगी। तो
कुछ लोग नमक तेज खाते हैं, कुछ लोग नमक कम खाते हैं, तो आप जितना आप टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। थोड़े से मसाले पकेंगे और ये ऑयल ऊपर आने लग जाएगा। तो फिर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ली थी मैंने ये फ्लेवर के लिए, इसके अंदर बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ये थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे। देखें ग्रेवी कितने अच्छे से पकने लग गई है और ऑयल भी ऊपर आने लग गया। सारे मसाले पक के तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपने चने। जो अब मैं इसके अंदर, ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी चने। चनों को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। चने आपके अच्छे से गले हुए होने चाहिए और कच्चे नहीं रहने चाहिए। देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट, बिल्कुल इसी तरह के चने गले हुए होने चाहिए। और जो मैंने आपको दही दिखाई थी कि दही मैंने लिया थोड़ी सी, उसके अंदर मैंने थोड़े से चने डाल दिए। अभी इनको दही के साथ मैं ग्राइंड करके तो वो भी इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि इनकी ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी सी थिक थिक ग्रेवी बनेगी, तो इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी मैं इनको भी ग्राइंड करके तो बस इसके अंदर डाल दूँगी। जो मैंने चने और दही का वो मिक्सचर बनाया था, अब मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे ग्रेवी इतनी गाढ़ी गाढ़ी, इतनी मज़े की बन जाती है। ऐसे तो भूनते भूनते भी आप चनों को यूँ थोड़े सा मैश करेंगे तो चने मैश हो जाएंगे और ग्रेवी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन दही के साथ इस तरह से ये डालेंगे तो इसका एक तो दही का फ्लेवर अच्छा इसके अंदर आएगा और ग्रेवी भी आपकी बहुत अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब ये दही के साथ और मसालों के साथ चने अच्छे से भून जाए तो फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। ये देखें मसालों में और दही में ये चने अच्छे से भुन चुके हैं और ऑयल भी इसका सेपरेट होने लग गया। तो अभी मैं इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी आप अपनी मर्जी से, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये देखें अभी से इतनी गाढ़ी गाढ़ी नजर आने लगी है और पक्के तो ये और ज्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, थिक सी हो जाएगी। ये जब होटलों में जाते हैं अक्सर ये सालन लेने के लिए, चने और अंडे का सालन, तो आप लोग कहते हैं कि बहुत मज़े का है उसका फ्लेवर। वो उन्होंने अलग अलग से डिशें रखी हुई होती हैं और अलग से उन्होंने ऑयल रखा हुआ होता है मसालों वाला, तो बस जब लेते हैं तो उसके ऊपर वो ऐड कर थोड़ा सा डाल के दे देते हैं, तो उसका फ्लेवर अलग से ही लगता है मज़े का। तो ये जो मैं बना रही हूँ डिश, आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसका भी मज़ा बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा। बस अभी ये पानी थोड़ा सा पकेगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाढ़ी है ग्रेवी, बस इसको और थोड़ी देर हम पकाएं, क्योंकि चने तो हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, पके हुए हैं सब कुछ। बस ये पानी थोड़ा सा पकेगा इसके अंदर तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसको डिश आउट करके। तो ये देखें हमारा सालन, चने और अंडे का जो मैंने सालन बनाया था वो बन पक के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी गाढ़ी इसकी ग्रेवी बनी है, ऊपर आ गए। तो बस ये चूल्हा बंद करेंगे और अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला मैं ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैंने अदरक की जुलियन कट कट काट के रखी थी, इसको थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के लिए और फिर अपना ऊपर डाल देंगे हम लोग। Thank you.
देखें गाइस। तो ये देखें गाइस, जो मैंने अंडे और चने का सालन बनाया था वो पक के तैयार हो चुका है। और इसकी देखें, इसकी लुक देखें, आप कैसा मज़े का सालन लग रहा है। और आप भी ऐसे मेरे तरीके से इसकी रेसिपी ये बनाएंगे तो आपको बिल्कुल होटलों वाले टेस्ट मिलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।